Hey guys, good evening. I welcome you all to Exam Shala. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So December ka second part aapke saamne main prastut karta hoon. Last video mein humne 60 questions discuss kiye the aur I hope aapne pura video dekh liya hai. Abhi is part mein rest 90 questions ko main discuss karunga. December mein news bahut saari thi. To I hope aap बहुत अच्छे से समझ के करंट अफेयर कर रहे हो. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी कि पेन पेपर साथ लेके बैठना, नोट्स बनाते जाना. इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा है इसका डिटेल. तो जो भी डिटेलिंग मैं देता जा रहा हूँ उसको आप लिखते जाओ, ठीक है. पहली बात तो ये हो गई. इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ. मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छे समय पे आपको खुद के लिए भी समय मिल गया है. SBI मेंस पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, जो कि 19/4/2020 को होना था. अभी ये पोस्टपोन हो गया है बिकॉज ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है. तो अब अगली डेट के आने तक आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा. आज देख सकते हैं जनरल मैनेजर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है आज ही 1/4/2020 को. तो इस बात को सब ध्यान से रखेंगे, ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, अब टाइम मिल गया है तो क्या करना है सर, पढ़ाई करनी है. जैसा कि मैंने आपसे बोला ही है कि मैं करंट अफेयर आपका करता जा रहा हूँ. अब SBI भी पोस्टपोन हो गया है, नवंबर का करंट अफेयर ऑलरेडी हो चुका है. अगर जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो, Part 1 and Part 2 करके है. तो 150 क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखते हो तो आपके लगभग 400 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, दैट्स माई गारंटी. और उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत है नहीं. लास्ट ईयर SBI के टाइम पे भी जब मैंने करंट अफेयर क्लासेस ली थी तो नियरली 1670 क्वेश्चन आ गए थे. ये IBPS में हुआ, और यहाँ पे भी मैं ये नहीं कहता आ जाएंगे, बट यस आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा. तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं. दिसंबर में Part 1 हो चुका है, Part 2 अभी लाइव है. उसके बाद अपकमिंग डेज में आपको जल्दी से जल्दी मैं अगले 6 वीडियो दे दूंगा, मार्च तक कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद जो अप्रैल का भी बचेगा तो अप्रैल को भी हम कवर अप कर लेंगे. तो ये बात ध्यान देनी है. टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम शाला इंडिया बैंक SSC, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी. इसके अलावा पिछले वीडियोस की भी PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन में, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन. यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ने बेंगलुरु में कौन सी इंडियन साइंस कांग्रेस सेलिब्रेट करी है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन B, 107, ठीक है. ये याद रखिएगा, ये जो सेशन था ये 3rd January to 7th January 2020 तक चला है, ठीक है. तो इस बात को आप याद रखेंगे. अब इसी में दूसरा क्वेश्चन जो बन जाता है वो ऐसा पूछ लेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ पे है, तो सीधी सी बात है कि ये बेंगलुरु में है, ठीक है. तो सेशंस भी याद रखने हैं. चलिए आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने रहा. धनु यात्रा एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ये किस भगवान की है या ये किस भगवान पे बेस्ड है ये बताना है. तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कृष्णा, ठीक है. कृष्ण जी के ऊपर है, और ये कितने दिन तक चली और इससे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. तो देखिए ये काफ़ी फेमस है और ये आपकी 11 दिन तक चली, ठीक है ना, धनु यात्रा फेस्टिवल जो था. और ये एक ओपन थिएटर है जहाँ पे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. ये आपका वेस्टर्न उड़ीसा के बारगर में हुआ है, ठीक है, ये याद रखना. यहाँ पे जो कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं, जिस तरीके से उन्होंने कंस को मारा, कंस जो कि उनके मामा लगते हैं, उन सबको इसमें दिखाया जाता है, ठीक है. ये इससे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं. इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए आगे आते हैं. 63rd में ये रहा. तो विच सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हेल्पलाइन नंबर फॉर वुमेन सेफ्टी पर्पस, ठीक है ना. कौन से सोशल मीडिया ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर चलाया है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड फेसबुक. तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सर जी इसका सही जवाब है व्हाट्सएप. देखो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसको ध्यान से सुन लेना. तो देखो ये व्हाट्सएप ने किया है, लेकिन ये है कहाँ की न्यूज़? तो देखिए ये न्यूज़ है आपके उत्तर प्रदेश की. तो उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे आप UPSRTC के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक डेडिकेट वुमेन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करी है. इस हेल्पलाइन नंबर का जो नाम है वो है दामिनी, ठीक है. ये एक कॉलिंग और व्हाट्सएप सर्विस है, ठीक है, वुमेन के लिए, याद रखना. इसमें इन्होंने एक अपना यूनिक नंबर दिया हुआ है, और वो यूनिक नंबर है 8114277777. मैं दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि कई बार पिछले एग्जाम्स में नंबर्स पूछे गए हैं. सो 8114277777, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, इज माई पॉइंट क्लियर? और आप इसको ऐसा भी कह लो कि ये जो सर्विस है ये एक एक्सटेंशन है निर्भया योजना का. तो आपने देखा कि एक न्यूज से
हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। आते हैं, बढ़ते हैं अगले। 64 आ गया आपके सामने। विच ब्रांच ऑफ आईआईटी रिसर्चर्स डेवलप मटेरियल टू प्रोड्यूस एनर्जी। मैं लगातार अपने वीडियोस में बात बोल रहा हूँ कि एनर्जी आगे आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा एक सोर्स बनेगा एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे काम कर रही है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी आप ले सकते हैं कि पूरी दुनिया इस समय अफ्रीका की तरफ जा रही है। अब वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मत लिख सकना कि सर वहाँ पे और भी फैक्टर्स हैं, सर एनर्जी का ही एक सोर्स वहाँ पे भी देखा जा रहा है, फिलहाल एक ब्रांच है, इन्हीं तरह से पूछी लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ब्रांच है, ब्रांच मतलब वो कौन सी आईआईटी है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आईआईटी बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास और रुड़की। तो इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। तो ये याद रखना है, इन्होंने ये किया है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल हाउस होल्ड इन्वायरमेंट को देख रहे हैं और एनर्जी रिसोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मटेरियल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 65 में, ये रहा 65। एच के जोशी टेक्स चार्ज ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे सीपीआई के नाम से भी जानते हैं, सॉरी, ठीक है। तो नॉट सीपीआई, इस एससीआई, तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे, तो जो एच के जोशी हैं, इन्होंने किस पद पे अपना चार्ज लिया है, तो इसका सही जवाब है सीएमडी का, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखना है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछता हूँ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सीधी सी बात है बिपिन रावत है, ठीक है, याद रखना, ये दिसंबर की ही न्यूज बनी थी जाके। आते हैं आगे, हु वन वर्ल्ड रैपिड चेस 2019 टाइटल, 2019 का वर्ल्ड रैपिड चेस 2019 किसने जीता। देखिए रैपिड चेस में क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी मूव्स होते हैं, मतलब वो सोचने का इतना नहीं होता, तेज चलता है, आप नाम से ही देख लीजिए रैपिड, ठीक है। फिलहाल तो किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है कोनेरू हम्पी, ठीक है ना, कोनेरू हम्पी ने ये जीता है, और ये जीता है इन्होंने रशिया में, और इन्होंने हराया चिनास ली को, चिनास ली, नाम याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ से भी हमारे 2 चीजें बनी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वर्ल्ड रैपिड चेस 2019 कहाँ हुई थी, तो रशिया में हुई थी, इन्होंने हराया चिनास ली को। बढ़ते हैं आगे, 67। हु वन सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है आपका अंजुम चोपड़ा, ठीक है। इसके अलावा क्रिश श्रीकांत को भी अवार्ड मिला है, इनको मिलने वाला है, तो इनको याद रखना है, इसके हिसाब से अंजुम चोपड़ा इसका सही जवाब होगा। अच्छा, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किस से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट से है, ड्रामा से है, फिल्म से है, कमेंट सेक्शन में बताइए ये किस से जुड़ा हुआ है, अटेम्प्ट जरूर करते जाइएगा। बढ़ता हूं आगे, 68। SBI टू इंट्रोड्यूस OTP बेस्ड ATM ट्रांजेक्शन फॉर विड्रॉल ऑफ अमाउंट अबव, ठीक है ना, तो OTP मतलब उन्होंने ऐसा कितना एक अमाउंट सेट किया हुआ है बताइए, तो सर जी ये है आपका 10,000, ठीक है, तो ये याद रखना है, SBI ने इसको लॉन्च किया है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ATP बेस्ड ATM ट्रांजेक्शन फॉर विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज लॉन्च्ड बाय, तो आप याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो अमाउंट है इन्होंने 10,000 किया है। इसमें पॉइंट क्लियर, OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। बढ़ता हूं आगे, 69। नीति आयोग टू लॉन्च विच एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, कौन सा इन्होंने किया है, इससे SDG के नाम से भी जाना जाता है, पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र मैंने किया था, नवंबर में भी इसका जिक्र मैंने आपसे किया था, फिर भी थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता देता हूं, तो इसका सही जवाब है आपका सेकंड, ठीक है, इन्होंने सेकंड किया है, और ये कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनाइटेड नेशन इन इंडिया एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये याद रखना, और इस ये जो आपकी SDG हुई थी दिल्ली में, तो यहाँ पे इन्होंने चेयर किया था इसको डॉक्टर राजीव कुमार ने, इसमें पॉइंट क्लियर, तो इसको याद रखना है इतनी बातें, क्योंकि कभी कभी कोलैबोरेशन भी पूछता है, ये मैंने आपसे बताई भी थी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो इंडेक्स है ये अवेलेबल होगी एज एन ऑनलाइन डैशबोर्ड, और इसमें क्रॉस सेक्टोरल रिलेवेंस होगा, पॉलिसी मेकिंग की भी बातें हैं, बिजनेस और एकेडमिया रिलेटेड भी इसमें बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी डिस्कशन हुए, जो फंक्शंस जो भी होते हैं इनकी बातें हुई, ठीक है।
चलिए अब इसमें थोड़ी सी और बातें हैं जो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सच नीति आयोग की बात कर दूँ तो नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और आपको पता ही होगा योजना इसने योजना को रिप्लेस किया था। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है, इसके चेयरपर्सन है आपके नरेंद्र मोदी जी, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं और वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार हैं, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई। अब इसमें बात आती है कि एसडीजी में बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टेट की आई थी, तो बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी आपकी केरला की। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे थे हिमाचल प्रदेश, जिसे आप एचपी के नाम से भी जानते हैं, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करी जाए तो उसमें थे बिहार, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहां आंध्र प्रदेश था या अरुणाचल प्रदेश था, तो इसको भी ध्यान देना है, इन बातों को याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। बढ़ते हैं आगे, 70 पे आ चुके हैं, AAI की बात कर रहे हैं। सो AAI टू सेटअप वाटर एरोड्रोम्स इन अंडमान एंड निकोबार। देखिए पहली चीज तो अगर ये टू करके दिया जाए ना, बिकॉज आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो थोड़ी ग्रामर बता देता हूँ, तो इसका मतलब होता है करने वाला है, ठीक है। तो AAI, अब फर्स्ट ऑफ ऑल AAI क्या है, तो देखिए AAI है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके बाद मैं बात करूंगा एरोड्रोम क्या होता है। आपने प्लेन देखा होगा, प्लेन ही होता है, कई बार आपने टीवी में देखा होगा ऐसा प्लेन आता है, एक शिप होती है, ठीक है, और वो ऐसे शिप पे आकर के रुकता है, ठीक है, या वो पानी पे भी खड़ा हो जाता है, ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। समुद्र वगैरह में आपने देखा होगा मूवीज में, छोटा सा प्लेन होता है, ठीक है, वो ऐसे आएगा पानी के ऊपर भी रखा रहेगा, तो उसे एरोड्रोम बोलते हैं, ठीक है, इस काइंड ऑफ प्लेन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो इसका जो सही जवाब है इनका ये तीन होंगे वाटर एरोड्रोम पे, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, इसको क्लियरेंस जो दिया था वो क्लियरेंस दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। चलिए फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, इन चीजों को याद रखना। देखो कई बार होता क्या है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। मुझे एक दुख होता है कि आज के समय पे जो करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं ना, देखो फैकल्टी कोई भी पढ़ा रही हो वो एवरेज करके ही पढ़ाएगी, मतलब सबको बातें समझ आए, बट इफ यू हैव क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करिए, आप क्लास में है तो अपनी फैकल्टी से पूछिए भी कि इनका मतलब होता क्या है, अदरवाइज आप रट रहे हैं सर, और रटा नहीं जा सकता ऐसा मेरा मानना है। प्रेजेंट टाइम पे पेपर काफी डायनामिक हो चुका है। बढ़ता हूँ आगे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसको ऑनर किया गया है, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, संजय दत्त और अमिताभ बच्चन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। ये एक आप कह सकते हो बहुत ही बड़ा अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्रीज का, ठीक है, या इंडियन सिनेमा का, और अमिताभ बच्चन जी को अवार्ड मिला है उनके बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने अपनी पूरी जो जिंदगी दी है इंडियन सिनेमा के लिए, ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी तो देखो रणवीर सिंह वगैरह तो अभी नए हैं, तो इतनी जल्दी ऐसे अवार्ड्स किसी को नहीं दिए जाते हैं। खैर आगे आता हूँ मैं, 72 पे आ चुके हैं, आज का 12वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेज डिड ऑल इंडिया रेडियो ऑर्गेनाइज नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोएट 2020। सो कितनी लैंग्वेज है, तो इसका सही जवाब है आपका 22, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 लैंग्वेज की ही बात करी गई है। क्लियर हो गई बात, तो ये याद रखना। अच्छा, ये नेशनल सिंपोजियम दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है इसको लेकर के, वो ये कि नेशनल सिंपोजियम किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोएट जो लॉन्च किया है वो आपका ऑल इंडिया रेडियो ने ही किया है, सीधी सी बात आपको यहाँ पे दिख रहा है। मेरा पॉइंट वही है, अगर मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूँ तो मैं सबको नजर में रख के कर रहा हूँ कि कोई अगर मेरा पहली बार भी वीडियो देखे तो उसे आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज आप एक रट के चलोगे, मैं उसी क्वेश्चन से दो तीन चीजें देखना बता दूंगा। लाइक अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस लेते हो इंग्लिश की, तो मैं हमेशा रिलेटेड करके ही बताता हूँ चीजें, इन दैट वे यू लर्न, अदरवाइज रटने से कुछ होने वाला है नहीं, मेरा इतना मानना है, मैं लाइक मानता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि 22 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, और क्या भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। आते हैं 73 पे, और ये रहा 73, हाउ मैनी डेज डिड मंदू फेस्टिवल टेक प्लेस, मंदू फेस्टिवल कितने दिन होता है। तो सर जी मंदू फेस्टिवल होता है आपका 5 दिन, ठीक है। अच्छा ये मंदू फेस्टिवल है कहाँ का, तो सर जी ये मंदू फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की एक फेमस
टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में ये वहाँ पे होता है। तो 5 दिन भी याद रखना है, स्टेट पूछ ले तो मध्य प्रदेश है और डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो धार, DHAR, ठीक है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड 3-4 बातें, पढ़ता हूँ मैं आगे। हु ऑप्टेन्ड फर्स्ट प्लेस इन इंडियाज Top 10 मोस्ट गूगल बिजनेस टाइकून। आपको एक चीज पता होगी, जब भी कोई फेमस पर्सन होता है तो गूगल उनका डूडल बनाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन से जुड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गूगल उनका एक डूडल देता है, तो अगर उसके आप होम पेज पे जाओगे तो उनकी फोटो लगी मिलती है, ये यूजुअली होता है। इसके बाद अब ये भी होता है हमारा करंट अफेयर बढ़ाने के लिए, कि देखा जाता है कौन सा पर्सन सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। सच है, अगर अगर अभी के समय पे आप देखे जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे अगर कोई पर्सनैलिटी है तो वो रतन टाटा है, ठीक है। रतन टाटा का कंपैरिजन किया जा रहा है बिजनेसमैन से या किसी ना किसी चीज़ से, तो याद रखिएगा ये रतन टाटा है। इसका सही जवाब भी रतन टाटा है, और अभी इंस्टाग्राम की वजह से इनको किया जा रहा है कंपैरिजन, तो ये सब चीज़ें रहती हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो Top 10 मोस्ट गूगल पर्सन में रतन टाटा जी को अवार्ड मिला है। इज माई पॉइंट क्लियर? इन्होंने 21 साल तक अपने टाटा ग्रुप को हेड किया, ठीक है ना, उनकी कह सकते हैं कि $100 बिलियन की कंपनी तक पहुंचने में। फिलहाल मैं 21 साल इसलिए बोलूँ उन्होंने हेड किया था, बाकी उन्होंने बहुत तरीके से काम किया। अब इनके बारे में पढ़िएगा, यू विल लर्न अलॉट, वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, ऐसा सब बोलते हैं। एंड ऑफकोर्स है, अभी उन्होंने अपना प्रूफ भी किया लगातार अच्छे काम करके। बढ़ते हैं, 75 पे आ चुके हैं आज का 15वां क्वेश्चन, और वैसे 75। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इज टू इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ अंडर समग्र शिक्षा, ठीक है। कौन सा है स्कीम, कौन सी है उसको मैं बताना है, ठीक है ना, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो समग्र शिक्षा जो स्कीम के अंतर्गत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, याद रखना ये स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बातें हैं इसकी, याद रखना। तो इस क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन में क्या, किसने ये स्कीम के अंतर्गत इसको रखा है, तो वो है समग्र शिक्षा स्कीम है और अंडर है HRD के, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए फिलहाल एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि सारी ई बुक्स अभी फ्री कर दी गई हैं, सो दैट आप घर पे क्वारंटीन में हो या आइसोलेशन में हो, कर्फ्यू में हो, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर आप चाहें तो मैं उसको लिंक दे दूंगा, आप सीधे सीधे बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। मैं आता हूँ 76 में। विच बिल विल इनहेंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ₹10 लाख टू 1 करोड़, बताइए। तो ये कौन सा बिल है सर जी? ये बिल है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2019, ठीक है। तो ये अमेंड करेगा एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, 12th सॉरी 22 ऑफ 1934, ठीक है, याद रखना, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 ब्रैकेट 22 ऑफ 1934, ठीक है। और ये विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये इन्हेंस करेगा फाइन को, जो 10 लाख से अब सीधे 1 करोड़ हो जाएगा। और बेसिकली क्यों किया गया है, अगर कुछ गड़बड़ियां आती हैं नेविगेशन में लेकर के उसको, ठीक है, या अगर जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करते, तो इस तरीके से इसमें फाइन लगाया जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। चलो, इससे जुड़ी तो नहीं, लेकिन एक दो इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उसी से जुड़ी। तो एक करियर डिप्लोमेट है संजय भट्टाचार्य, ये अपॉइंट किए गए सेक्रेटरी ऑफ काउंसलर पासपोर्ट वीजा एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को, ठीक है। ये 1987 के IFS ऑफिसर है, कौन? संजय भट्टाचार्य, याद रखना, संजय भट्टाचार्य 1987 के IFS ऑफिसर है। IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, नॉट फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। और ये भी इंडिया के एम्बेसडर थे टर्की में, तो अभी फिलहाल किसके हो जाएंगे, सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बताया, सेक्रेटरी ऑफ काउंसलर पासपोर्ट वीजा एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को। काफी बड़ी पोस्ट होती है सर जी, पढ़ना है, मेहनत करनी है और ऊंचाइयों तक जाना है। आते हैं 77 पे, और ये रहा आपके सामने 77 क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से देख लेना। विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, किस कंट्री के साथ भारत ने सोशल सिक्योरिटी, या बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दोहरा, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल एंड स्किल्ड वर्कर, ठीक है, जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, हु आर वर्किंग अबाउट, जो भारत के बाहर काम करें। देखिए, जब भी विदेश की बात आती है तो अब्रॉड वर्ड यूज किया जाता है, हु आर वर्किंग अब्रॉड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इनहेंस द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ
इंडियन कंपनीज, ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडिया के बाहर जाते हैं, इसका सही जवाब क्या है? तो सर जी इसका सही जवाब है ब्राजील। अगर आपने नवंबर का दोनों वीडियो देखे हैं, दिसंबर का देखा है, तो उस हिसाब से पांचवीं बार ब्राजील आ रहा है। वीडियो को ध्यान से देखते जाओ सर, सब कनेक्ट करता है एक दूसरे से, और ये चीज आप सीख गए, आप रिवीजन पे आ गए ना, तो आपका करंट अफेयर में 40 क्वेश्चन आते हैं तो सर 30 करके आओगे, 35 करके आओगे, श्योरिटी के साथ करके आओगे। बट सो लोगों को रटना है, उन्हें ध्यान नहीं देना ये न्यूज कब कब आई थी, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि अगर मान लो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ना दे तो SSAs दे देगा, ठीक है, मतलब इसकी एब्रीवेशन भी आपको दे देगा। खैर बढ़ता हूं मैं आगे, 78 में आ चुके हैं, 78 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल एम्स टू सेटअप अ यूनिफाइड अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन IFSCs इन इंडिया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा बिल है जो कि सेटअप किया गया है यूनिफाइड अथॉरिटी रेगुलेट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं इन IFSCs इन इंडिया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल 2019, ठीक है, ये सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को करेगा। IFSCs की फुल फॉर्म भाई बता देता हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो यहां से भी आपको IFSCs करके दे सकता है। खैर तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये लोकसभा ने पास किया था, ठीक है, और ये किया था आई गेस 11 दिसंबर, तो डेट तो नहीं पूछेगा, जस्ट टेलिंग यू। 79 पे आए और ये क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ना और आंसर भी देते जाना। देखो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो फिर भी देख लो। विच स्टेट इज टू सेटअप अ वर्चुअल पुलिस स्टेशन इन द स्टेट यूनिवर्सिटी? जब मैं दिसंबर का करंट अफेयर बना रहा था तो उस दौरान भी मैंने इसको कवर अप किया था, तो इसका सही जवाब है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने किया है। इसे VPS के नाम से भी दिया जा सकता है, VPS मतलब वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को जो रिपोर्ट करने में, अगर उनके खिलाफ कोई वॉयलेंस होता है या कोई क्राइम होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ के ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो वहाँ के जो VC के जो VC हैं, वाइस चांसलर प्रसाद रेड्डी, ठीक है, उन्होंने इसकी पुष्टि करी थी। चलिए फिलहाल नहीं पूछेगा, फिर भी बता रहा हूँ। 20वां क्वेश्चन आज का, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू सेटअप अ नेशनल एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन इंडिया? भारत की पहली महिला कौन सी जिन्होंने नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेटअप करी है? देखिए जब भी पहली की बात आ जाए, लास्ट की बात आ जाए, इवन सेकेंड थर्ड की बात आ जाए, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सही जवाब है आपका तारा सिन्हा। तो तारा सिन्हा जी ने लॉन्च किया है, या बोलूँ तो सेटअप किया है पहली नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है, तो ये याद रखना। ओके चलिए आगे आता हूं अगले क्वेश्चन में, और अगर आपने पिछले 20 क्वेश्चन देखे हैं तो लगभग आपके 45-50 क्वेश्चन हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़ते हैं आगे। और आई होप आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा कुछ लोग होते हैं कि वो डाउनलोड कर लेते हैं वीडियो, उससे कोई खास फायदा होता नहीं है, एक बार आप खुद से बात करके देखिए तो कुछ दिखेगा, सिर्फ डाउनलोड होता है, पढ़ता कोई नहीं है। 81 लाइक मजा ही अलग होता है ना, ऑनलाइन पढ़ लो जो सही रहता है। बढ़ते हैं अगला, तो विच इज टू सेटअप और हु इज टू सेटअप डेडिकेटेड ग्रीन विंडो विद एन एम टू सर्व द अनसर्व सेगमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? अगेन बोलूंगा, नवंबर का करंट अफेयर उठाओ, दिसंबर का उठा लो, आप जनवरी उठा लो, इवन फेबरी भी उठा लो, आपको एनर्जी बहुत दिख रही है, इससे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक का ये पार्ट होता है, ऑफकोर्स आपको UPSC में नहीं है तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इसका सही जवाब है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, ठीक है ना, तो ये सेटअप करने वाला है एक डेडिकेटेड ग्रीन विंडो। अब सीधी सी बात है, जब ये ग्रीन टर्म मिल जाए तो समझ जाना कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही बात कर रहा होगा। अच्छा इसको अनाउंस किसने किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो अनाउंस किया था श्री आनंद कुमार ने, ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के, नाम वापस से सुन लीजिए, आनंद कुमार, ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। एनर्जी पे भारत भी काफी काम कर रहा है, आपको याद हो तो टेस्ला मोटर्स के मालिक इलान मस्क भी इंडिया आए थे, तो ऐसा कुछ था क्योंकि जो सोलर सिटी है वो भी सोलर पे काम करेगी। फिलहाल ऐसी कोई बात बनी नहीं, बट होप सो इन फ्यूचर कुछ अच्छा होगा। चलिए
82 पे बात करते हैं, हु ऑर्गेनाइज द 2019 सिंपोजियम ऑन स्कोप ऑफ साइंस ऑफ आयुर्वेदा इन ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, किसने लॉन्च किया है। अच्छा एक छोटी सी बात, अभी जब ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहा था तो वहां पे भी ये सिंपोजियम वर्ड आया था। अब कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा आपने पढ़ा नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें एक टर्म याद होती है, एग्जामिनर वैसे रिलेटेड ऑप्शन भी दे देता है, हम सीधे टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आई होप आप ध्यान देंगे, आप इंटेलिजेंट हैं, मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो सर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, ये दोनों ने ही किया, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। मैंने कई बार ये चीज बोली है कि कोलैबोरेशन भी होता है, और आयुष तो काफी ज्यादा न्यूज में है, आपको याद हो तो ये पिछले साल से लगातार न्यूज में है, जिसमें मेडिकल कवरेज भी मिल रहा है लोगों को। बढ़ता हूँ आगे, और जॉर्ज लॉरर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द को इन्वेंटर ऑफ, जॉर्ज लॉरर, तो बताइए ये कौन है। तो इन्होंने फिलहाल बार कोड की खोज करी थी, जो आज आप व्हाट्सएप में देखते हो, आप गूगल पे पे देखते हो, आप पेमेंट करने के लिए कहीं जाते हो तो वहाँ पे भी देखते हो बार कोड, आपके मोबाइल वगैरह पे भी होता है, आपके बुक्स के पीछे भी होता है बार कोड, तो इन्होंने ही किया था। ये यूएस के थे, एक इंजीनियर थे, ठीक है, इन्होंने किया, और ये एक एज एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर आईबीएम पे काम कर रहे थे, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो इन्होंने यूपीसी या बोला जाए तो बार कोड को इन्होंने ही डेवलप किया था, जो कि कोड को रीड करता है, ठीक है। तो बस इतनी बहुत है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो पूछ लेते हैं कि कहाँ से थे, फिलहाल इस तरह क्वेश्चन अब तो नहीं आते, ठीक है। खैर अगर मान लो आप इंटरव्यूज वगैरह में हो तो ये पूछ सकते हैं कि पहली बार ये सब क्या हुआ था, तो पहली बार इन्होंने एक प्रोडक्ट में स्कैन किया था, वो रिंगली जूस था, ठीक है, एक फ्रूट च्युइंगम होती है रिंगली जूसी नाम करके यूएस में, तो वहां पे किया था, 1974 की बात है। खैर इतना पूछते नहीं है बट ध्यान देने के लिए। अभी एक और डेथ हुई है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, कॉपी पेस्ट का जनक किसे कहा जाता है, जिनके भी रिसेंटली डेथ हो गई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आते हैं 84 पे, द विच टर्म नेशनल सिंपोजियम ऑफ हेड ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, अगेन देखिए सिंपोजियम टर्म यूज हुई हैड ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इज बींग हेल्ड एट BPRND हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, तो ये कौन से नंबर का है? तो सर जी ये है 37 का, ठीक है ना। सो 37th नेशनल सिंपोजियम ऑफ हेड्स ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हुआ आपका BPRND हेडक्वार्टर, ये आया आपका दिल्ली में, ये 2 दिन हुआ था, 12 और 13 दिसंबर को, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अच्छा अब बात हो जाती है कि BPRND की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, BPR एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये है, इसमें पॉइंट क्लियर। चलो आगे आते हैं, एब्रीवेशंस बैंकिंग एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। 85, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विन नोबल प्राइज, देखिए घुमाने के लिए सीधे सीधे पूछ लिया, किसने नोबल प्राइज नहीं जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर सूफी लुइस ने, ठीक है, इन्होंने नोबल प्राइज नहीं जीता है। अच्छा बाकी किन्होंने किन्होंने जीता है? तो विलियम जी कैलिन आप देख सकते हो, इन्हों मिला है, पीटर जे रेडक्लिफ को, ठीक है, इन दोनों को नोबल प्राइज मिला, और इसके अलावा एक और है जिनका नाम है इरीन वाइजमैन, 3 लोगों को मिला। मैं दोबारा नाम बोल देता हूँ, पहला तो हो गया आपका विलियम जी केलिन, फिर जे रेडक्लिफ, और फिर उसके बाद इरीन वाइजमैन, इनको 2019 का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 86, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक ग्रुप, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सर जी इसका सही जवाब है आपका मालदीव्स नहीं है। बिम्स्टेक ग्रुप में कितनी कंट्रीज है नाम बता देता हूँ आपको, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। दोबारा बता देता हूँ, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है, तो इसमें आपकी मालदीव्स नहीं है। बढ़ते हैं आगे, 87, वेन इज द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व्ड,
यूनिवर्सिटी सॉरी नॉट यूनिवर्सिटी सॉरी फॉर द मिस्टेक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? तो सर जी ये हर साल 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है कि लोगों को एक क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, ठीक है, विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप। मतलब ऐसा नहीं किसी के पास पैसे ना हो तो ऐसा ना हो, ठीक है ना, तो ये याद रखना। और इसका जो एक एम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, इसे UHC के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक एम है एक स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम को स्टैब्लिश करना, और ये इम्पोर्टेंस भी इस चीज की बताते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 88 वेयर वॉज द फोर्थ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसे बिम्स्टेक के नाम से भी जानते हैं, हुई थी? कहां पे चौथी बिम्स्टेक समिट हुई, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका काठमांडू। काठमांडू है आपका नेपाल में, नेपाल में। ठीक है, ये आपकी न्यूज को ध्यान देना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये पूछ सकता है कि काठमांडू में जो बिम्स्टेक समिट हुई वह कौन सा एडिशन था, वह कौन से नंबर का था, तो ये आपकी फोर्थ थी। ठीक है, चलिए अब सीधी सी बात लिखाई है कि सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, तो ऑफकोर्स इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें ही यहाँ पे करी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं 89 में, और 89 है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रैलिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, या सबसे पहले सॉरी सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले आपका ये हुआ था 2017 में, ठीक है, और ये भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी अभी मैंने आपको एक और बताई 12 दिसंबर से रिलेटेड न्यूज, तो ये 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो हुआ क्या था कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रैलिटी जो है ये डिक्लेयर किया गया था UNGA के द्वारा फरवरी 2017 में। UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 12 दिसंबर को इसके लिए डेट बना दी थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का 30वां क्वेश्चन है। देखो अब डिस्कशन काफ़ी है, मैंने आपसे पहले वीडियो में भी बोला था कि लगभग एक मिनट तो ले लूंगा, क्योंकि दिसंबर में करंट काफी था। अभी भी हमारे पास 60 क्वेश्चंस हैं, जुड़े रहिए, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। हु ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम इन न्यू दिल्ली? किसने ऑर्गेनाइज किया है एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार जो कि है क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम पे? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ए एंड बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, ये 11 दिसंबर को हुआ था और तीन दिन चला, 11 से 13 दिसंबर को, और ये न्यू दिल्ली में चला, और इसको इनॉग्रेट किया था डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा ने, जो कि सेक्रेटरी हैं डेयर के, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो सीधी सीधी बात मैंने आपको बताई दी, ऑप्शन ए एंड डी इसका सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये हमेशा ICAR के नाम से ही मिलेगा, इस बात को भी हमें ध्यान देना है, टर्म्स याद रखनी होती है। देखो छोटी सी बात बताता हूँ, बीच बीच में थोड़ा ज्ञान देता जाता हूँ, जरूरी होता है, आई डू इन क्लास ऑल्सो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो ना, तो लगातार पढ़ने का फायदा क्या होता है, टर्म्स दिमाग में बैठने लगती हैं। जब टर्म्स दिमाग में बैठने लगती है ना, तो न्यूज़ पकड़ने में दिक्कत नहीं होती है, याद हो जाता है, हर चीज़ नई नई लगती है। क्योंकि भाई भारत में डेवलपमेंट करो तो भारत की चीज़ों से ही तो डेवलपमेंट करोगे ना, कोई एक्सरसाइज होती है तो फिक्स प्लेस पे ही एक्सरसाइज होगी ना, कुछ लोगों के लिए ही तो होगा ना, वो नाम बार बार आते रहते हैं। और ऐसा स्मार्ट लोग करते हैं, जो लोग रैंक लाते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान देना। देखो दुनिया में कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बट बातें फॉलो करो सर। कोई 5 साल 10 साल से पढ़ा रहा है, देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस, और इन एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। सिर्फ पढ़ने से किताब से पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, एक्सपीरियंस लीजिए लोगों का, आप कनेक्टिविटी रखिए, तब आपका एग्जाम निकलेगा। आता हूं मैं 91 में,
हु वॉज नेम्ड एज द 2019 पर्सन ऑफ द ईयर बाई टाइम मैगजीन। तो हमने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने एक बहुत शानदार स्पीच दी थी, हाउ डेयर यू टू टच माई इन्वायरमेंट, ऐसा एक न्यूज़ थी इनकी, इन्होंने स्पीच दी थी और इनको टाइम्स मैगजीन में ईयर का अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग का। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि ये एक टीनेजर है। ठीक है, तो इन्होंने कह सकते हो कि इंस्पायर किया कहा? मतलब मिलियंस ऑफ पीपल को, 150 लोगों में, 100 नॉट लोगों में, 150 कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया या बोलूँ उसमें पार्टिसिपेट किया था, और इनकी न्यूज़ बहुत वायरल हो गई थी। जस्ट गो एंड वॉच हर डिबेट, मे बी यू लाइक इट। चलिए आगे आते हैं। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल सीक्स टू कन्वर्ट थ्री डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी इंटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो वह कौन सा बिल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2019। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीन कन्वर्ट करी जाएंगी। ठीक है, चलो अब ये कौन कौन सी हैं जो यूनिवर्सिटी जिनको कन्वर्ट किया जाएगा, तो मैं इनके नाम बता देता हूँ, उनके नाम याद रखना। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान। दूसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, ये न्यू दिल्ली में है, और राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ ये तिरुपति में। मैं नाम दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि नाम आपसे पूछा जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान, ठीक है। दूसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, ये आपका न्यू दिल्ली में है, और राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ ये आपका तिरुपति में है। इसमें पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये तीन यूनिवर्सिटी होगी जो कि कन्वर्ट करी जाएंगी बिल, संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2019 है। देखो साल का अंत होता है ना, तो बिल काफी आते हैं, और अगर आप पिछले 32 क्वेश्चंस को देखोगे तो मैंने कई बिल्स के नाम लिए हैं, अभी आगे भी लूंगा। यही तो मजा है सीखने में, जब तक वो दिमाग में नहीं बैठता कैसी चीजें आ रही हैं तब तक कोई फायदा नहीं होता देखने का। 93, हु वॉज नेम्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन बाई फोर्ब्स इन 2019 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। तो किसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, जो उन्होंने 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकाली है? तो इनका नाम है आपकी एंजेला मार्केल। ठीक है, इनकी स्पीच सुनिएगा, यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, जरूर, जैसे द वे शी स्पीक्स, इनको आप जरूर सुनिएगा। इसके अलावा आप हिलेरी क्लिंटन को सुनिए, आपके थॉट्स चेंज हो सकते हैं। मैंने काफ़ी एडमायर किया इनको, तो अच्छा लगता है इनको सुन के। ठीक है, सो एंजेला मॉर्केल हैं, इनको इन्होंने टॉप किया है फोर्ब्स की लिस्ट में, हर साल आती है। कल की डेट में आप फेमस हो जाइए, आप भी अपनी एक लिस्ट निकाल सकते हैं। खैर आगे आता हूँ। अच्छा हाँ, ये एक और छोटी सी बात है कि ये लगातार 9वें साल इन्होंने टॉप किया है। खैर बढ़ते हैं आगे। हु वॉज नेम्ड एज द एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2019 बाई टाइम्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लिजो। ठीक है ना, ये एक सिंगर हैं, इनको एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है टाइम्स से। अभी मैंने थनबर्ग की बात करी थी और अब मैंने इनकी बात करी, तो एंटरटेनर ऑफ द ईयर में भी याद रखना। हो सकता है एग्जामिनर क्या करे कि सीधे सीधे ऑप्शन में ही लिजो भी रख दे और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ पर्सन ऑफ द ईयर में। ठीक है, तो पर्सन ऑफ द ईयर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन 2050 क्लाइमेट न्यूट्रैलिटी एग्रीमेंट। तो कौन सी कंट्री है जो लेफ्ट आउट है? तो इसका सही जवाब है आपका पोलैंड। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो स्टैटिक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी इंटरनेशनल न्यूज आ जाए तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इन माई ओपिनियन। मे भी सबके लिए काम ना करे, बट मेरा ऐसा मानना है। चलिए 96 में आते हैं। ऑन विच कंट्री डिड द यूनाइटेड नेशन इम्पोज न्यू सैंक्शन ऑन डिसम्बर 2019। ठीक है ना, किस कंट्री पे यूनाइटेड नेशन ने नए सैंक्शंस लगाए हैं? दिसंबर में लगाए हैं, जनवरी में लगाए हैं, डजेंट मैटर। तो इसका सही जवाब है आपका जापान पे, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स ईरान। ठीक है ना, ईरान पे लगाए हैं, उसका रीजन है देखिए हुआ क्या कि जो ईरान में ट्रांसपोर्टिंग हो रही थी, ठीक है, तो यूएस ने एक्यूज किया इनके ऊपर कि इस पे ये लोग लीथल वीपन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और जो कि
मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत बड़े स्तर पे समस्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इसके लिए तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे इम्पोज किए गए इनके ऊपर सैंक्शंस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 97, हु प्रेजेंटेड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अभी मैंने बात करी थी यूएचसी की, थोड़ी बहुत समझाया भी था आपको इसके बारे में। तो ये किसने किया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जी ने। ठीक है, तो हमें इस बात को याद रखना है। तो ये 12 दिसंबर को हुआ था। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन ये भी नवंबर में आए थे न्यूज में और अभी दिसंबर के फर्स्ट पार्ट में भी थे। तो ये कौन है? तो ये सर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। बताऊं 48 आज का 38 क्वेश्चन और वैसे 98। तो क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर विल द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल बी हेल्ड। अगर आपको ट्राइबल से रिलेटेड न्यूज याद हो तो जुलाई में भी ट्राइबल रिलेटेड न्यूज आई थी, ठीक है, जहां पे उनके अपलिफ्टमेंट की बात करी गई थी। तो कहाँ पे हुआ है ट्राइबल डांस फेस्टिवल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर। रायपुर आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 27 से 29 दिसंबर के बीच हुआ था, 3 दिन का ये नेशनल ट्राइबल डांस हुआ था। इनको भी बढ़ाने की काफी बात है। देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो नेहरू जी ने इनके बारे में काफी काम किया था। मैंने आपसे बोला भी था कि उन्होंने बोला था कि चलिए ठीक है, एक तरफ ये ग्रुप हो गया, एक तरफ हमने दूसरों को सपोर्ट कर दिया, बट हमारे ट्राइबल्स कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए उन्होंने काफी काम किया। 99 में आ चुके हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 किसने जीता, बताइए? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने इस अवार्ड को जीता है, ठीक है। अच्छा, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की फुल फॉर्म याद रखिएगा। जीता किसने है? जीता है रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने। बढ़ता हूं आगे, और 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यह 100वां क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिल्ली डायलॉग 11th, बताइए। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ऑप्शन बी, एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्या है? एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। ये आपकी 13-14 दिसंबर को हुई थी। अब एक काम आप कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, पानी वानी पी लो, 2-4 मिनट रेस्ट कर लो और वापस से शुरू करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं 101 पे। क्वेश्चन रहा ये, वेयर वॉज द 6th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड, ठीक है। छठवीं है सेशन, से याद रखना ये छठवीं है। तो ये कहाँ पे हुई, इंडिया और इंडोनेशिया की? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद की। तो इंडिया और इंडोनेशिया की ज्वाइंट मीटिंग आपकी हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे इंडोनेशिया की तरफ से आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर रेटनो एलपी मार्सुदी। क्या है? रेटनो एलपी मार्सुदी। चलिए बढ़ते हैं आगे, 102। अब यहाँ अगेन लॉन्च की बात आ गई। तो हु लॉन्च द डिजाइन एजुकेशन क्वालिटी मार्क DEQM एंड चार्टर्ड डिजाइन ऑफ इंडिया टू इनहेंस द प्रोफेशन एंड टू एस्टेब्लिश प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, इंडियन डिजाइन काउंसिल। ये भी न्यूज में था। अच्छा, थोड़ी सी बात बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सूरत में भी कुछ इसी रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया गया है, क्या नाम है उसका, ठीक है। ये आपका दिसंबर जनवरी की ही बात है, कमेंट सेक्शन में बताइए वो क्या है, ठीक है। जब मैं आपकी इससे रिलेटेड थोड़ी न्यूज़ बता देता हूँ, तो देखिए जैसे कि बात करी कि जो हमारे इंडियन डिज़ाइन काउंसिल ने लॉन्च किया है, ठीक है, क्या लॉन्च किया है? किया है डिजाइन एजुकेशन क्वालिटी मार्क, इसे DEQM के भी नाम से जाना जाता है, और चार्टर डिजाइन ऑफ इंडिया से CDI के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में इन्होंने किया था और ये 12 दिसंबर की न्यूज है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना, और बेसिकली जो इसका एम है वो है जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं डिजाइनिंग को लेकर के, सच एज स्केल, क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डिजाइन, आपके अलावा प्रायोरिटीज जो रेज करती हैं, या फिर पब्लिक पर्पस क्या है,
डिजाइन का उसको लेकर के, ठीक है। देखो तो हर चीज की डिजाइन तो होगी ना भाई, कोई चीज आना है तो ऐसा तो है नहीं कि बस कर देंगे। तो ये पांच प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के इसमें बात थी। आते हैं 103 में, विच स्टेट हैज रिसीव द कृषि कार्मन अवार्ड 5 टाइम्स, ठीक है ना। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है कृषि कार्मन अवार्ड? ओडिशा, कर्नाटका, केरला और पंजाब। तो इसका सही जवाब है आपका ओडिशा। ओडिशा से रिलेटेड तीसरी न्यूज आपके सामने। सो ओडिशा ने किया है और इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इनको 5 बार मिला है, इस बात को भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने इसलिए लिखा भी है यहाँ पे। 104 वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसे मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। तो देखिए ये भी आपके उड़ीसा को ही मिला है, ठीक है ना। तो अभी ऊपर हमने बात करी कृषि कॉर्मन अवार्ड, इसके बाद हमने बात करी वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019, ये भी आपकी उड़ीसा को ही मिला है, तो मैं इसे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये किस लिए मिला है? तो देखिए वहां का उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जगह मिशन, उसके लिए मिला है, ठीक है, याद रखना। और ये जो अवार्ड है ये कन्फर किया गया वर्ल्ड हैबिटेट, एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें एसोसिएशन रहा यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली जो अर्बन पुअर्स होते हैं, मतलब जो शहरों के गरीब होते हैं, उनको एम्पावर करने में उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। और लगातार अगर आप देखें पिछले 2-3 साल की न्यूज उठाएं, तो ओडिशा गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है अपनी लेबर क्लास के लिए, और स्पेशली जो उनसे क्राफ्ट रिलेटेड जो उनकी लेबर है, या मैं उनको लेबर नहीं बोलूंगा, जो क्राफ्ट रिलेटेड डिजाइनर्स हैं उनके लिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके भी इन्होंने काफी काम किया है, तो ये ध्यान देना। बढ़ता हूं आगे, 105, ये रहा, इंडिया इज टू होस्ट 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस इन, कहाँ पे करने वाली है 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। देखो ज्यादातर ये जो इंटरनेशनल समिट्स होती है ना इंडिया में, वो ज्यादातर दिल्ली में होती है, कभी हैदराबाद और लखनऊ, फिर वो अपनी अलग बात है, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन्होंने प्लान किया था होने का, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी डिस्क्राइब किया गया है, और वो है ओलंपिक्स ऑफ जियो साइंसेस। क्या? ओलंपिक्स ऑफ जियो साइंसेस। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन गया, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई ये सेशन कौन सा था, 36 है, ठीक है, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। तो बस इतनी बातें हैं, और बाकी तो मैंने बताया दिया, जो दूसरा नाम है वो क्या, ओलंपिक ऑफ जियो साइंसेस, ठीक है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये चीज है। चलिए फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, और आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है और ऐसे वीडियोस को बनाने में, मान के चलिए कि अगर 1 महीने का करंट अफेयर बनाना है तो टिक्स में एटलीस्ट 3-4 डेज, एक एक क्वेश्चंस को देखना, पढ़ना, काफ़ी चीज़ें लगती हैं। तो जो भी फीडबैक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। 106 में आए हैं, विच कंपनी वन द स्पेस ऑस्कर अवार्ड ऑन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉपरनिकस मास्टर? तो किस कंट्री ने जीता है? इसका सही जवाब है, नॉट कंट्री, किस कंपनी ने जीता है, तो ब्लू स्काई एनालिटिक्स, ठीक है ना, इन्होंने अवार्ड जीता स्पेस ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये 4 दिसंबर की न्यूज है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि फिनलैंड में एक यूरोपियन स्पेस वीक हुआ था, और ये फिनलैंड के हेलसिंकी में, ठीक है ना, वहाँ पे इनको अवार्ड मिला। और ये इंडिया का पहला स्टार्टअप है, ठीक है ना, जिन्होंने स्पेस ऑस्कर अवार्ड को जीता है। तो ये न्यूज तो अब और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब इसमें भारत लग गया है। बढ़ता हूं मैं आगे, 107 में आ चुके हैं, ये रहा 107, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैड अनाउंस द फास्टैग। ये तो आपने सुनी ली होगी न्यूज, फास्टैग विल बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल प्राइवेट एंड कमर्शियल फ्रॉम, डेट पूछ रहा है, तो ये क्या डेट होगी? तो सर जी ये 15 दिसंबर, ठीक है, इसकी जो सही जवाब है, ठीक है। तो ये इतनी न्यूज़ इसके लिए सफिशियंट होगी। मैं बढ़ता हूं आगे, ये रहा 108, विच स्टेट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट डिशा एक्ट टू इंश्योर रेप वर्डिक्ट इन 21 डेज?
कौन से स्टेट ने किया है, तो सर जी ये किया है, बहुत ही शानदार कदम था। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी या जगन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने इसको अनाउंस किया था कि ये अमेंडमेंट करेंगे, इस पर 21 दिन में फैसला करेंगे। और ऑफ कोर्स ये न्यूज़ आपकी बनी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। बाय द वे दिशा आपका रेलवे से भी जुड़ा है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इन्होंने अमेंडमेंट भी किए थे आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ एक्ट में, ठीक है, कि जिससे कि एक प्रोसेस स्विफ्टली हो, काम अच्छे से हो पाए उसमें। 109 आपके सामने, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। हु वन द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर मेल ऑफ द 2019 फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड। अभी फिक्की इंडिया की बात मैंने ऊपर भी करी थी, तो अभी यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन फॉर मेल की बात कर रहा हूँ, किसने जीता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो सही जवाब है मैं सीधे आऊंगा, और वो है आपका सौरभ चौधरी, ठीक है, इस बात को याद रखना। इससे रिलेटेड मैं कुछ और चीजें भी बता देता हूँ जिन्होंने अवार्ड जीता। तो जैसे स्पोर्ट पर्सन फॉर मेल की बात कर ली जाए तो ये सौरभ चौधरी हो गए, ठीक है। इसके अलावा रानी रामपाल को भी अवार्ड मिला इसमें, स्पोर्ट पर्सन फॉर फीमेल। और इसके अलावा बेस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट का जो अवार्ड मिला है फिक्की इंडिया के द्वारा, ये मिला है कामेश श्रीनिवासन। देखिए कमलेश से कंफ्यूज मत करना, कामेश श्रीनिवासन। तो मैं तीनों नाम आपको बता देता हूँ, पहला कौन सा है, पहला है आपका सौरभ चौधरी, फिर रानी रामपाल, कमलेश सॉरी कामेश श्रीनिवासन, ठीक है, इनको अवार्ड मिला। चलिए आते हैं 110 पे। हु ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एनर्जी एफिशिएंटी कूलिंग, किसने ऑर्गेनाइज करी है, तो ये करी है बीईई ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, दो लोगों ने मिलकर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया, ए एंड बी। आपने नोटिस किया तीन चार क्वेश्चन अभी तक ऐसे हो गए जहां पे दो लोगों ने मिलकर काम किया, ठीक है ना। तो ऑप्शंस को ध्यान में देखना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी एक ही नाम होता है, ये होता है, लोग में रीडिंग स्किल नहीं होती या वो चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उस वजह से भी उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना दो हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई एंड इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी आईईए। तो ये इसका सही जवाब हो गया, ये 12 से 13 दिसंबर के बीच हुई थी, ठीक है, याद रखना है। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, हिम्मत बांध के रखो, एक ही बार लगेगा, सिर्फ 1.5 घंटे का वीडियो होगा, ज्यादा नहीं होगा। विच पार्टी वॉन 2019 यूके जनरल इलेक्शन, तो किसने जीता है, तो ये जीता है सर कंजर्वेटिव पार्टी, और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन, लगातार न्यूज में रहते हैं ये, काफी इन्होंने मेहनत करी चुनाव जीतने के लिए। तो क्या नाम हो गया, बोरिस जॉनसन, 2019 के यूके जनरल इलेक्शन इन्होंने जीता मेजोरिटी वोट से। चलिए 112 क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखना और सरल है, इतना टफ नहीं है। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ये टर्म अभी आई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, एंड MOU साइंड, एंड MOU साइन किया किसके साथ किया, टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम, बताया था थोड़ा मैंने ऊपर इसके बारे में। अब इससे जुड़ा हुआ जो आंसर है तो सर जी ये है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नाबार्ड, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, इसके साथ इन्होंने MOU साइन किया, और बाकी इससे रिलेटेड जो थोड़ी न्यूज थी वो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 113, देखिए कितनी तेजी से सीख रहे हैं हम लोग। हाउ मैनी होलसेल रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन इंटीग्रेटेड विद ई नाम प्लेटफॉर्म, तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है। तो सर जी इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, 585, ठीक है, तो ये याद रखना है, ओके। सो 585 है होलसेल ई नाम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट लगभग 1,65,000 फार्मर्स जो पूरे भारत के हैं उनको रजिस्टर करेगी, ठीक है, और वो क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, याद रखना ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर और ये आपका मार्केट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो ये भी याद रखना है। और ये अनाउंसमेंट है ये जो दी गई, ये दी गई एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो कि हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा, ठीक है, तो न्यूज आई गई, समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम आगे आते हैं, और अच्छा एक छोटी सी न्यूज है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी 14-15 दिसंबर के आसपास ही घूम रहे हैं, अभी रिलेटेड न्यूज भी वहीं की थी।
एक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है, ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, की फुल फॉर्म मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं याद रखनी चाहिए। 114 पे आ चुके हैं और ये रहा आपके सामने 114। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल, लगातार न्यूज में रहती है ये, ठीक है। तो किसने चेयर करी, तो इसको चेयर करी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ये 14 दिसंबर की बात है, ठीक है। और नेशनल गंगा काउंसिल हुई कहाँ थी, तो ये सर ये हुई थी आपकी कानपुर में। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 115 आपके सामने, विच साइट डिड नासा सेलेक्ट फॉर द सैंपल कलेक्शन ऑन एस्टोरॉइड बेनू, कौन सी साइट को नासा ने सेलेक्ट किया है सैंपल कलेक्शन के लिए, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो नाइटिंगल हो गया इसका सही जवाब। अब इससे जुड़ी कुछ और बातें भी हैं जो ध्यान देना, इस मिशन का नाम क्या है, तो देखिए इस मिशन का नाम है ओसिरिस रेक्स, ठीक है। ओसिरिस OSIRIS, ठीक है। ओसिरिस रेक्स REX, ठीक है, ये इस मिशन का नाम है। और इसी टीम ने सेलेक्ट किया नाइटिंगल को, ऑप्शन है जो कि सही जवाब हो गया, ठीक है। और उसका सैंपल नो सिर्फ 60 ग्राम लेना था फ्रॉम 101955 बेनूस से। खैर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम भी मैटर करता है। देखो मैंने कई बार देखा है कि लोग केस स्टडीज देख रहे हैं, हुआ प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड SSC, पूरी केस स्टडी देखनी शुरू कर दी। सर वर्ड नहीं है, ठीक है, आप पूरा पूरा हिंदू पढ़ रहे हो, वर्ड नहीं है उसकी। हमें उतना देखना होता है जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी पढ़ने को तो सर दुनिया जहां का कॉन्टेंट आप कुछ भी पढ़ते रहे। 116 पे आ चुके हैं, विच कंट्री इज टू होस्ट गेम ऑफ ओलंपियाड XXX111, बताइए कौन सी कंट्री है। तो XXX111 मतलब आपका 2024 है, ठीक है, याद रखना। सो 2024 ओलंपिक, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है आपका फ्रांस, फ्रांस का पेरिस, तो इसे पेरिस ओलंपिक के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक के लिए डेट है ओलंपिक के लिए, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 117, बांग्लादेश सेलिब्रेटेड विच विक्ट्री डे ऑन 16 दिसंबर। सो कौन सा विक्ट्री डे है जो उन्होंने 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया, तो सर जी ये इन्होंने अपना किया 49, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। ये अपने पाकिस्तान से अलग होकर के इंडिपेंडेंट नेशन बना लिया था इन्होंने 1971 को, ठीक है। ये याद रखना, वैसे भी पाकिस्तान अपना ही है और बांग्लादेश भी अपना ही है, क्या है सब, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इन चीजों को आप याद रखना है। चलिए फिर आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको लोगों को चीजें समझ में भी आती जा रही हैं और आप सीखते भी जा रहे हो। सो हु इज द फाउंडर ऑफ द लिव लॉन्ग लव फाउंडेशन, लिव लव लाफ फाउंडेशन TLLF, तो इसका सही जवाब है दीपिका पादुकोण, वाइफ ऑफ श्री रणवीर सिंह, ठीक है। तो ये कौन फाउंडर कौन है, सर ये एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी भी रही हैं और बहुत ही शानदार एक्टर हैं, तो याद रखना है। और इन्होंने ये जो आपकी TLLF है ये 2015 में किया था। अबाउट क्यों किया था, तो बेसिकली इसका जो मेन रीजन है ये, या मैं बात करूं जो आपका TLLF है, ये है मेंटल एडोलसेंट या मेंटल हेल्थ डिजीज के बारे में, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, ऐसा बोलते हैं कि ये इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी ऐसा सफर किया है, फिलहाल शायद इसीलिए। आगे आते हैं 119, वेयर विल द WEF एनुअल मीटिंग 2020 बी हेल्ड, कहाँ पर WEF एनुअल मीटिंग होगी। WEF क्या है पहले तो ये जान लो सर, WEF है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 4 विनर हैं क्रिस्टल अवार्ड के लिए, ठीक है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो है आपका स्विट्जरलैंड, इसमें पॉइंट क्लियर। और ये स्विट्जरलैंड के कहाँ पे, दावोस कॉल्स्टर, ठीक है, दावोस कॉल्स्टर, ये हुआ आपका, ठीक है।
चलिए, होना कब था? तो ये बेसिकली 20 जनवरी को हुई है, ठीक है? तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने जो चार विनर चूज किए वो कौन कौन से थे, तो वो चार विनर की भी बात कर लेता हूँ। तो वो चार विनर है दीपिका पादुकोण, जिन जिंक, थियस्टर गेट्स एंड लिनेथ वॉलवर्थ। ठीक है, नाम थोड़े अलग कंट्री के हैं, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। तो दीपिका पादुकोण, जिनपिंग, थियस्टर गेट्स एंड लिनेथ वॉलवर्थ। 120, हु सेलिब्रेटेड द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट। ठीक है, सॉरी, नॉट सेलिब्रेटेड, क्रिएटेड। तो किन्हें मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट का अवार्ड मिला है? तो सर जी, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो एरिक मॉर्ले इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। तो चलिए आगे आते हैं। फिलहाल ये बहुत पुरानी न्यूज है, 1951 पे इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। 60 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं, मतलब 30 मिनट का वीडियो और है। अभी चाहें तो आप लोग रेस्ट ले सकते हैं, मैं बढ़ता हूँ आगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए बट देखिए पूरा, और 60 क्वेश्चन मिला लो तो लगभग आपके 180-190 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। वेन इज द विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 दिसंबर को। तो जब हम विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो हर साल होता था, ऐसी चीजें लगातार सेलिब्रेशन में रही हैं। ठीक है, हमने पहले में बात करी थी वो आर्मी से रिलेटेड थी, यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड है। 1971 में पाकिस्तान से हम लोग जीते थे, ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 दिसंबर को। ठीक है, एक्चुअली मैंने विद्या मंदिर में पढ़ा है तो काफ़ी कल्चर को लेकर के काफ़ी सजग रहते हैं। अगर बात देश की आती है तो कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है, सो दे सेलिब्रेट एंड दे लेट अस नो, वो अच्छी बात है। एंड आई होप ये आज भी अपने स्कूल्स में चल रहा होगा, जहाँ पे भी आपके भाई बहन लोग पढ़ते हैं, जानना जरूरी है अपने कल्चर को। 122, हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द सेकेंड रनर अप इन द मिस वर्ल्ड 2019? सो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, सेकेंड रनर अप कौन है? तो इससे रिलेटेड मैं पूरी न्यूज़ बता देता हूँ और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जमैका की टोनी अन सिंह है, ठीक है, इनको क्राउन किया गया मिस वर्ल्ड का, ठीक है, एनुअल ब्यूटी पेजेंट, जो कि 69th नंबर की थी। ये हुई थी एक्सेल में, और एक्सेल है आपका लंदन में, ठीक है, और ये 14 दिसंबर की बात है, ठीक है। और इसके बाद ओफले की बात करी जाए, ओफले मेजिनो, तो ये हमारी फर्स्ट रनर अप रही, ये आपकी फ्रांस की हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड एट द एनुअल ब्यूटी पेजेंट बाई सुमन राव, ठीक है, तो ए एंड बी इसके सही जवाब हो गए। तो ये अब बात करें, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वो सुमन राव ने किया था, और जो आपकी फर्स्ट रनर अप रही वो रही आपकी ऑफले मैजिनो, ठीक है ना। तो सेकेंड रनर अप हमारी सुमन राव हो गई। तो अगर मैं बात कर लूँ दोनों की, तो ए एंड बी पे भी टिक कर दो, कि अगर फर्स्ट रनर अप एंड सेकेंड रनर अप की बात कर लें, दूसरे की बात कर लें तो सुमन राव, फर्स्ट की बात कर लें तो ऑफले मैजिनो, ठीक है। तो चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। 123, विच पुलिस फोर्स वॉज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड? तो इसका सही जवाब है, कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में, ठीक है, तो गुजरात पुलिस को अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये 15 दिसंबर की बात है, ठीक है, तो ये याद रखना। और गुजरात अभी सातवां, या गुजरात की पुलिस 7वीं स्टेट पुलिस बनी है जिसको ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड है क्या। आते हैं 124 में, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हाफ द नाइट इज गॉन? हाफ द नाइट इज गॉन, इसके सही ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं अमिताभ बागची। इंडियन एक्सप्रेस में इनका ऑडियो आया था, बहुत शानदार था, जरूर देखिएगा जाके। तो अमिताभ बागची को अवार्ड मिला है, ठीक है, ये याद रखना। और ये कहाँ मिला? ये मिला साउथ एशियन लिटरेचर 2019 में, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। 125, हु वन 2019 साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड? तो इसका सही जवाब भी मैंने आपको बता ही दिया, अमिताभ बागची। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी पहले, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका है अमिताभ बागची, ठीक है, और इनका नॉवेल है क्या, द नाइट, हाफ द नाइट इज गॉन, ओके। चलिए 26, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉल्को लोकेटेड? तो इसका सही जवाब है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी।
तो ऑप्शन डी हो गया भुवनेश्वर, इसका सही जवाब भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है। अच्छा अब बात करी जाए नॉल्को कब बनाया गया, तो नॉल्को सन 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 52% इक्विटी को होल्ड करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो बता ही दिया, वो है आपका भुवनेश्वर। कोई मुझे नॉल्को की फुल फॉर्म बताओ क्या है, और मैं बढ़ता हूं आगे 127 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फार फील्ड, द फार फील्ड के ऑथर कौन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है माधुरी विजय। तो माधुरी विजय जी का डेब्यूट नॉवल, डेब्यूट नॉवल मतलब इनका जो पहला नॉवल है, बैलेंस द पर्सनल एंड द पॉलिटिकल विद एश्योरेंस, तो इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है इसको याद रखना है। इसके अलावा इनका शॉर्टलिस्ट भी किया गया था डीएसजी अवार्ड, डीएससी अवार्ड, जो कि साउथ एशियन लिटरेचर के लिए था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 128। विच स्कीम एम्स टू ऑनर ग्रुप दैट असिस्ट पीपल विद ओवर 40% डिसेबिलिटी इन देयर स्टडीज एंड अदर टास्क, तो कौन सी स्कीम है जो कि डिसेबल्ड पर्सन को असिस्ट करेगी जो 40% से ज्यादा डिसेबल हैं उनकी स्टडी के लिए या अदर के लिए। तो सही जवाब इसका, सॉरी, सहचारी स्कीम, ठीक है इस स्कीम का नाम भी रखना सहचारी, बाकी इसकी डिटेलिंग के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं। 129, हु इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया के, तो इनका नाम है विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो याद रखना ये इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है, फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन भी हैं, और ये 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है तो ये याद रखना। और इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2000 और 2002 में भी जीती थी, ठीक है। और ये पहले इंडियन भी, सॉरी नॉट पहले इंडियन नहीं, पहले एशियन भी बने थे इसको जीतने वाले। चलिए आते हैं 130 में, और अब हमारे 21 क्वेश्चन बचे हैं। अब स्टैटिक वाला पार्ट है, जितना डिस्कशन वाला था काफी ले ही लिया है मैंने। 130वां क्वेश्चन है आपका, हु ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑन स्टीलिंग इंडिया, ये स्टीलिंग चोरी वाला नहीं है, स्टीलिंग इंडिया 2019, ड्राइविंग मेंटल इंटेंसिटी इन की सेक्टर, किसने ऑर्गेनाइज किया है इस मीटिंग को, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसे CII के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 16 दिसंबर को न्यू दिल्ली में हुई थी। अच्छा बात करी जाती है इसको इनॉगरेट किसने किया था, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है हो गई बात। अब आखिरी 20 सवाल शुरू होते हैं आपके सामने, क्वेश्चन छोटे हैं, जल्दी जल्दी देख लो क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो 2.0 पे भी देख सकते हैं। वेयर इज द ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। इसका सही जवाब है आपका मणिपुर, ठीक है। 16 से 18 दिसंबर 2019 के बीच हुआ, 3 दिन का, और इसको इनॉगरेट किया वहां के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने, और ये तमेंगलोंग नाम याद रखना, तमेंगलोंग वहां पे इन्होंने इसको इनॉगरेट किया था। यहाँ सबसे ज्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है, इस बात को याद रखना, ये एक स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल है, इसको भी याद रखना, ये नहीं कि तुम नेशनल लेवल पे लेके चले जाओ, ठीक है ना। तो ऑरेंज फेस्टिवल ये एक स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल है, 3 दिन का होता है, और इसमें चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने, जो कि तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे किया था, वहां पे हाईएस्ट प्रोडक्शन है ऑरेंज का। आते हैं, हु सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया फ्रॉम 1999 टू 2019, गजब के इंसान रहे होंगे। तो ऑप्शन सी, अब देखो नाम को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अब्देलाजीज बाउतिफका, ठीक है। तो क्या है अब्देलाजीज बाउतिफका, ये एक अल्जीरियन पॉलिटिशियन है, तो ये 1999 से 2019 तक रहे, ठीक है तो इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं 133 रहा आरबीआई, ऑपरेशनलाइज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे NEFT के नाम से भी जानते हैं, सिस्टम 24/7 फ्रॉम 12 AM ऑन, कब से इन्होंने ये कर दिया कि NEFT अब 24 घंटे हो सकता है, तो ये इन्होंने 16 दिसंबर से किया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन में डेट पूछ लेता है, देखो कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि सर इसमें डेट नहीं पूछी जाती, इसमें पूछी जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, ये भी ध्यान देना।
ओके सब कुछ का मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, फॉलो योर फैकल्टीज दे विल लेट यू नो, जस्ट फॉलो माई वीडियोज, आपको भी यहां से भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये याद रखना है। ओके बाय द वे, इसमें लगभग 11.40 लाख ट्रांजेक्शन अब अगले 8 घंटे में हो गए थे। अभी 24/7 सर्विसेज 16 दिसंबर से आ गई थी, तो मतलब आपसे कोई बोलता है तो आपसे बोल सकते हैं। चलिए आते हैं आगे। 134, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माइंड मास्टर। तो माइंड मास्टर का बुक कौन है? अभी अगर आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, विश्वनाथन आनंद, ठीक है ना? तो माइंड मास्टर किसने लिखी? विश्वनाथन आनंद जी ने ये बुक रिलीज करी है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। सी बायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है? अच्छा, इसको इसके जो को ऑथर हैं, या मैं को रिटेन बात कर लूं, तो इट इज को रिटेन बाई सुजैन निनान, ठीक है? इसको याद रखना। इन्होंने अपनी विंस की बात करी है, अपनी वर्स्ट की भी बात करी है, जो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। चलिए 135 पे बढ़ते हैं, वीडियो अपने अंतिम छड़ों में। हु वन द 2019 बेस्ट T20 प्लेयर अवार्ड बाई ICC? तो ऑप्शन सी है एलिसा हीले, ठीक है? तो इनको अवार्ड मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर हैं, इनको नेम किया गया बेस्ट T20 अवार्ड के लिए, ठीक है? ये याद रखना। बात समझ में आ गई? चलिए, अफकोर्स अगर इसमें बात करी जाए अनाउंस किसने किया, तो ICC ही है। 136, हु वन द इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। सो CBI ऑफिसर हैं BP राजू, इनको इंडियन साइबर कॉप अवार्ड मिला है 2019 का, ठीक है? और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नैसकॉम, ठीक है? क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नैसकॉम के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, DSCI के नाम से जाना जाता है, इनके कोलैबोरेशन से। तो दो लोगों ने मिलकर इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया था। क्वेश्चन 137, हु इज नेम्ड एज द जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, UWW? तो किसको ये अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है दीपक पुनिया। देखिए, दो पुनिया है, एक बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया है, तो ये याद रखना, ठीक है? सो दीपक पुनिया को मिला है, और ये किस लिए मिला है? जूनियर फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए मिला है, ठीक है? तो ये बात याद रखना है, 18 साल के पुनिया है, और ये भारत के पहले रेसलर बने हैं जो कि जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता 18 साल की उम्र में, ठीक है? और बात करी जाए UWW की, या यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, तो ये 1912 में स्टैब्लिश करी गई थी, और ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो स्पोर्ट्स, जो अमेच्योर रेसलिंग होती है उसको देखती है, उसके ऊपर नजर रखती है, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं आगे। 138 पे आ चुका हूं मैं, और ये रहा हु वन 2019 तानसेन अवार्ड। तो फेमस वॉकलिस्ट पंडित विद्यासागर व्यास जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है? नेशनल तानसेन अवार्ड याद रखना। और ये तानसेन फेस्टिवल हुआ था मध्य प्रदेश में, वहां पे मिला था। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 2 लाख रुपए का, ठीक है? और ये अवार्ड इनको दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपोनेंट हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के लिए, ठीक है? ये याद रखना। अब जैसे ये मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में। इसमें काफी क्लासिकल म्यूजिक इवेंट्स होते हैं, ऑफकोर्स अगर आप इससे जुड़ा हुआ है तो आपका इसमें सारे फेस्टिवल्स भी होंगे और सारी चीजें भी रहेंगी, ठीक है? और लगभग ये 95 सालों से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये जरूरी है, रिकॉग्निशन मिलती रहनी चाहिए सबको। 139, व्हेन इज द माइनॉरिटी राइट डे ऑब्जर्व। 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, कब? 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डेज ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका जो मेन एम है वो है कि एक रिलीजियस हार्मोनी बनी रहे, सबको रिस्पेक्ट मिले, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कम्युनिटीज के बीच में, मतलब एक लोगों को नीची नजरों से ना देखा जाए। 140, अब लास्ट में सारे स्टैटिक ही आ रहे हैं, रखे भी इसीलिए थे कि डिस्कशन वाला पार्ट पहले हो जाए। विच मिशन वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेज बाई 2020? कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है कि सारे नॉट 2020, 2022, तो सारे गाँवों में आपका ब्रॉडबैंड सर्विस आ जाए?
तो इसका सही जवाब है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। ठीक है, ये याद रखना, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर केबल मिशन पे मत चले जाना। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है और ये 17 दिसंबर को ये बात लॉन्च करी गई थी और इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ने। ओके, बढ़िया, आगे आते हैं और आखिरी 10 सवाल। 141, देखो काफी लोगों को लग रहा होगा कितना सारा कंटेंट है, होता है भाई, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, इस 1 घंटे के वीडियो के पीछे बहुत मेहनत है और आपको भी देनी पड़ेगी। 1 घंटा, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना तो कम से कम 4 से 5 दिन जाता, कम से कम 1 घंटे की क्लास के हिसाब से देखें। 141 में आते हैं, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA अडॉप्टेड अरेबिक एज द विच लैंग्वेज, कौन से नंबर की लैंग्वेज है? तो सर जी ये है 6th। ठीक है ना, इन्होंने अरेबिक को किया। अच्छा, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है? तो देखिए अरेबिक तो एक हो गई, अब 5 कौन कौन सी बची? तो चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है ना, तो ये याद रखना, वहां पे कितनी लैंग्वेज है? 6 लैंग्वेज है, पहले थी चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अभी अरेबिक हो गई। ओके, इंडिया भी लगा हुआ है कि उन्हें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट दर्जा मिल जाए और वहां पे भी हिंदी भी हो जाए, और सही बात है, होना चाहिए। 142 पे बात करते हैं, विच कंट्री रैंक लास्ट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट? नाम देखिए कितना अच्छा, यमन, इंग्लिश में KTM भी है, यमन सर्विस। ठीक है, सो यमन को इसमें रखा गया है, इनको लास्ट मिला है 153 थे, 153 इनको रैंक मिली है, काबिले तारीफ। और इसके बाद हमारा प्यारा प्यारा तो नहीं बोलूंगा मैं, पाकिस्तान है, 151 इनको मिली है। ठीक है, जो इंडेक्स में इनकी रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें टॉप किसने किया है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ इसको टॉप किसने किया है। मैं बढ़ता हूं आगे 143 पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द 11th रीजनल क्वालिटी कॉन्क्लेव RQC? थीम क्या है? इसका सही जवाब है, रीजनल क्वालिटी कॉन्क्लेव की थीम का सही जवाब है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग विद क्वालिटी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। क्या है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग विद क्वालिटी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। ठीक है, ये कौन से नंबर की थी? सर जी ये 11वें नंबर की थी, ये 20 दिसंबर की न्यूज है। ये हुआ कहाँ पे? तो सर जी ये हुआ आपका रुद्रपुर में, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, और ये कहाँ पे है? ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, इस बात को याद रखना। अच्छा, अब बात आती है RQC को लॉन्च किसने किया या ऑर्गेनाइज किसने किया? तो सर जी इसको ऑर्गेनाइज किया काउंसिल ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अलोंग विद PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या? PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मिलके किया था। 144, नाम को ध्यान से पढ़ना है, त्रास्तुजुमाग। ठीक है, त्रास्तुजुमाग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट लीवर, ब्रेस्ट, लंग्स एंड पैंक्रियास। तो सर जी इसका सही जवाब है ब्रेस्ट कैंसर। एक ग्लेन मैकग्रॉ बॉलर थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। इट्स एन अवेयरनेस कैंपेन, लगातार इस पे बात होती रहती है बिकॉज वुमेन इससे रिलेटेड बातें नहीं करती हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है ना, तो ये जरूरी है, इस पे अवेयरनेस होनी भी चाहिए, बात करनी चाहिए खुल के, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। एक फेमस एक्ट्रेस भी हैं हॉलीवुड की, उनको भी यही समस्या हुई। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो ये ड्रग्स है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के नाम से भी आता है। अच्छा, इसको किस ब्रांड के नाम से रखा है? तो इसका नाम रहे हरसेप्टिन, HERCEPTIN, HERCEPTIN। ठीक है, हरसेप्टिन नाम से। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए आते हैं 145 पे, वेयर वॉज द जनता क्लिनिक लॉन्च रिसेंटली? जनता क्लिनिक कहाँ पे लॉन्च किया गया है बताइए? तो इसका सही जवाब है आपका राजस्थान में हुआ था, तो ये राजस्थान हो गया। ठीक है, तो हमें याद रखना है राजस्थान में अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पहला जनता क्लिनिक किया। कहाँ पे किया? ये किया वाल्मीकि बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती आपकी मालवीय नगर में, और मालवीय नगर है आपका जयपुर में। तो पूछ सकता है, मे बी जयपुर पूछ ले, मे बी बस्ती का नाम पूछ ले। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इन्होंने लॉन्च किया था जब उन्होंने अपना स्टेट बजट दिया था। आखिरी 5 सवाल आपके सामने है, हुज नॉवेल्स वन द 2019 साहित्य अकादमी अवार्ड? तो 4 नॉवेल्स हैं, डॉक्टर जयश्री, नाम बता देता हूँ पूरे, तो डॉक्टर जयश्री गोस्वामी, उसके अलावा डॉक्टर बीरा मंगोल सिंह, श्री धर्मन जी और बंदी नारायण स्वामी। ठीक है, इनको मिला है। और इसके हिसाब से मैं बात करूं ऑप्शंस के हिसाब से, तो इसमें सही है बीर मंगोल सिंह,
चार नाम है जो मैंने आपको बता दिए, वो चार नाम भी याद रख लिएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, डॉक्टर जॉयश्री गोस्वामी महंता इन्होंने असमी के लिए मिला है, डॉक्टर बीर मंगोल सिंह इन्हें मणिपुरी के लिए मिला है, और डॉक्टर नॉट डॉक्टर श्री धर्मन इनको तमिल के लिए, और श्री बंदी नारायण स्वामी इनको तेलुगु के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। 147 पे आ चुके हैं, और रहा हु रिलीज द बुक टाइटल्ड क्रॉसिंग द बैरियर्स वन गॉट इंक्ड, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ईसीआई, ठीक है ना। तो ईसीआई ने रिलीज करी इस बुक को, बुक का नाम है क्रॉसिंग द बैरियर वन गॉट लिंक्ड, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए 148, हु ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कंसल्टेशन टू ड्राफ्ट रोड मैप टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, तो किसने ऑर्गेनाइज किया है इस कंसल्टेशन को जो कि ड्राफ्ट करेगा। इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने लॉन्च किया कंसल्टेशन, इसकी एक टाइटल भी है, ठीक है, उसकी टाइटल है रियलाइजिंग द विजन ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? रियलाइजिंग द विजन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सॉरी, आते हैं 149। द फर्स्ट एडिशन ऑफ गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एनिमल वेलफेयर, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड इसको है, डेडिकेटेड है आपके एनिमल वेलफेयर के लिए। अच्छा, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ये पहला जो एडिशन है ये पुर्तगाल ने लॉन्च किया है, ठीक है, तो याद रखना है। और ये गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज है जिसमें प्रमोट किया जाएगा गांधी जी के आइडल्स को, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट किया था वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्ता उन्होंने, और ये कब की बात है, ये इन्होंने दौरान बात करी थी जब 150 बर्थ एनिवर्सरी हुई थी गांधी जी की, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल 13, वेयर वॉज द एक्सरसाइज अपहरण हेल्ड, तो अपहरण हुई आपकी कोची में, ठीक है। तो ये याद रखना है, जिस तरीके से हाईजैकिंग होती है, तो ये एक लार्ज स्केल एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज है जो कोची पोर्ट पे हुई थी 18 दिसंबर को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। दिसंबर मंथ का करंट अफेयर हो गया, 150 क्वेश्चन भी थे। अब मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में जहाँ पे हम 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गुड नाइट।